हजरत भू अली शाह कलंदर की दरगाह, जहां तालों में कैद है मन्नते। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दरगाह की जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत हरियाणा में स्थित है, जिसे हजरत भू अली शाह कलंदर की दरगाह के नाम से जानते हैं, जहां तालों में कैद होती है मन्नते। गालिब ने अपनी इस शायरी में ताले के खुलने को जुदा होने से जोड़ा है, लेकिन ताला खुलने का मतलब मुराद वाले का मुराद से मिलाप होना है। पानीपत में एक ऐसी दरगाह स्थित है जहां ताले लगाकर मन्नतें मांगी जाती हैं। यह दरगाह 700 साल पुरानी है। भारत, पाकिस्तान व अन्य क्षेत्रों से हजरत भू अली शाह कलंदर की 1200 के तकरीब दरगाहें हैं। पानीपत की मुख्य दरगाह ही एक ऐसी दरगाह है जहां मन्नत के ताले लगाए जाते हैं। इस दरगाह को अलाउद्दीन खिलजी के बेटों खिजरी खान और शादी खान ने बनवाया था। कलंदर शाह का असली नाम शेख शरफुद्दीन था। उनके पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के एक बहुत बड़े आलिम थे। कलंदर शाह 1190 ईस्वी में पैदा हुए और 122 साल की उम्र में 1312 ईस्वी में पर्दा कर गए थे। कलंदर शाह के जीवन के शुरुआत के 20 साल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ गुजारे। उसके बाद वे पानीपत आ गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे इराक से आए थे और पानीपत में ही बस गए। उनके नाम के साथ कलंदर जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका हो, लेकिन अपनी सांसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता हो। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम दीवाने हजरत शरफुद्दीन भू अली शाह कलंदर है। कलंदर शाह की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत मांगने वाले लोग दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। कई बार इस ताले के साथ लोग खत लिख कर भी अपनी मुरादें मांगते हैं। दरगाह के बगल में हजारों ताले लगे देखे जा सकते हैं। वैसे कलंदर शाह की दरगाह पर रोज श्रद्धालु उमड़ते हैं, पर हर गुरुवार को दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। कोई नहीं मेरा।
प्राण पड़ा रहूंगा, बड़े हिरण्य से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कलंदर शाह का यह मकबरा पानीपत में कलंदर चौक पर स्थित है, जो उन्हीं के नाम से है। इस मकबरे के मेन गेट के दाहिनी तरफ प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हानी पानीपति का कब्र भी है। सभी समुदायों के लोग हर गुरुवार को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। जो भी इस दरगाह पे आया, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। चलिए तो फिर आज हम बात करते हैं और जानते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद अबू हमजा जी। दरगाह हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वालिद साहब जो थे मरहूम महाज सूफी सैयद एजाज अहमद हाशमी साहब, जो यहाँ के चीफ खादिम थे हरियाणा वक्फ बोर्ड के थ्रू, अभी उनका 8 महीने पहले रमजानुल मुबारक में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद यहाँ हरियाणा वक्फ बोर्ड के थ्रू ये इंतजाम सारे चलते हैं। सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हैं, आपके वालिद सैयद सलार फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह इराक से तशरीफ़ लाए थे सन 606 हिजरी में। आपके वालिद जो थे इराक से तशरीफ़ लाए तो पानीपत में इनका क़याम हुआ, और हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा थी हाफिज़ा जमाला बेगम रहमतुल्लाह अलैह, वो हाफिज़ कुरान थी। एक एक दिन में कहीं कि कुरान शरीफ पढ़ दिया करती थी। जब हुजूर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पैदा हुए तो माँ के पेट से ही हाफिज़ पैदा हुए थे और मस्त थे। आप दुनिया में, पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह, शकीलाल शाहबाज कलंदर, राबिया बसरी कलंदर जो बसरा इराक में है, लेडीज हैं इसलिए उनको आधा कलंदर का लकब मिला हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान में हजरत बू अली शाह कलंदर का चर्चा है। आप अपने वक्त के दौर में बड़े आलिम रहे और बड़े मुफस्सिर रहे, और अपने वक्त के दौर में हाई कोर्ट जज भी रहे, और कुतुब मीनार के पास आप दरसगाह देते थे लोगों को, तो किसी ने आके बोल दिया मस्तों का काम है अल्लाह की राह में फना हो जाना, मैं अल्लाह की राह में निकल जाना, तो आपने सारी किताबें उठाई और जमुना में डाल दिया और आप अल्लाह की राह में निकल गए। और जब अल्लाह की राह में निकले तो उनको दस्त की बीमारी लग गई और कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने ऐसी बीमारी जो दी है जो तेरी राह में मैं बैठ भी ना सकूं, जो ऐसी बीमारी दी है, तो आप जलाल में आए और जाके बहते पानी में जमुना में खड़े हो गए और कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत दे बीमारी, जो भी बीमारी देगा बहता हुआ पानी पाक है, पवित्र है, साफ है, सब साफ हो जाएगा।
आपका इबादत करने का मतलब यही था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अली बना दो, अली जैसा कर दो। आपने 12-12 साल के 3 चिल्ले किए, तीसरे चिल्ले में आवाज आती है शरफुद्दीन आखिर क्या चाहते हो आप, तो आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अली बना दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अली एक है, दूसरा नहीं हो सकता, अली तो नहीं बना सका लेकिन अली की बू अता करता हूँ, अली की खुशबू, तो अली की खुशबू में ये दम है तो अली में क्या दम होगा। 36 साल बाद आपको अली की बू मिली, आपको अंदर वाली जो मदार शरीफ है हजरत मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो बादशाह गयासुद्दीन बलबल जो थे उनके साहबजादे हैं, बादशाह गयासुद्दीन बलबल की कोई औलाद नहीं हो रही थी। हजरत की बारगाह में उन्होंने दुआ मांगी कि बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा हजरत की बारगाह में वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि मेरी दो औलाद पैदा हो, दूसरी औलाद जो है दो औलाद पैदा हो, एक औलाद आपको दे दो दूसरी मैं ले जाऊं। कुछ दिन बाद हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जो मुराद पूरी हुई बादशाह गयासुद्दीन की, तो दो औलाद पैदा हुई, एक का नाम था मुबारक, दूसरे का नाम था खुर्रम। खुर्रम जो थे वो आप रख लिए थे, मुबारक आपके गोद में डाल दिया, आपने परवरिश करी। आपसे 16 साल पहले आपकी वफात हो गई, आपने फरमाया मेरे दोस्त को मेरे सहराने रखो, आने वाला बंदा पहले अंदर हाजिर है फिर मेरे पास आए, जो दुआ वहां मांगे वही दुआ यहाँ मांगे, इंशाल्लाह ताला घर जाने से पहले पहले पूरी होगी, और नहीं पूरी हुई तो मैदान हश्र के दिन मैं जवाब दूंगा उसका।